इन लक्ष्यों को पाने के लिए अब जरूरी है कुछ काम। क्या काम? फोर बेसिक काम। लिस्ट बनवाना, इनवाइट करना। लिस्ट आपके पास है, आपके दोस्त रिश्तेदार पड़ोसियों का। अब जरूरी है एक सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट काम इस बिजनेस का, वो है लोगों को बताना, इनवाइट करना। इसी जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोग मैं देखता हूं, इसी जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोग थोड़ी हिम्मत हार बैठते हैं, डर जाते हैं, हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं। शर्मा जी हम तो सुने हैं काफी लोगों की, शर्मा दीपक शर्मा है ना, पर आपको यहां शर्माना नहीं है। आपको यहां पर, आप जिस प्रोफेशन में हो, जिस काम में हो, सबसे पहले उसकी बारे में अपने अंदर एक जबरदस्त सोच पैदा करना है कि मैं एक सही प्लेटफॉर्म के साथ हूं, सही सिस्टम के साथ हूं, एक सही संस्था के साथ हूं, जो संस्था पिछले 20 सालों से भारत की कोने कोने पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मौके देते हुए आए हैं, जो संस्था जिन संस्था को 50 लाख परिवार ने विश्वास किया है पूरे भारत देश में, जिन संस्था के पास सैकड़ों के ऊपर प्रोडक्ट है, राइट, ऐसे संस्था की संदेश मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जिस प्रोफेशन भारत देश में लॉकडाउन के अंदर सबसे तेजी से आगे बढ़ी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मैं उस इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूं, उसकी एक प्रतिनिधि हूं, तो मुझे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है इनवाइट करने के टाइम, राइट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब आप किसी को इनवाइट करोगे, नो बोलेगा, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे आग्रह नहीं है इस विषय में, मैं नहीं जानना चाहता हूं, इट्स ओके। आपके पास 200-300 लिस्ट बिल्डिंग है जिनको आप जानते हो, राइट, इस प्रेजेंट बिजनेस में कामयाब बनने के लिए आपको 2 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर 50-60 लोगों का प्रेजेंटेशन दिखा देते हो, प्लान शो कर देते हो, तो आपके साथ 15-20 लोग आपके सिस्टम में आ जाएंगे। और अगर 20 लोग पहले 2 महीने के अंदर आपके साथ सिस्टम में आ जाते हैं, कम से कम 6-7 लोग काम करना शुरू कर देंगे, और ऐसा अगर हो जाएगा तो आपको भी इस बिजनेस की सारी सफलता पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। 200 लिस्ट बिल्डिंग, 300 लिस्ट बिल्डिंग, उनमें से 50-60 को ही प्लान दिखाना है, तो ये मान के ही चलिए कि आपकी टोटल लिस्ट बिल्डिंग का 70% लोग आपको मना करेगा, पार्थो भौमिक को भी किया था, 25% लोग ही आपको हाँ बोलेगा, 25% लोग ही आपको हाँ बोलेगा, हर 10 में से 6-7 आपको नो बोलेगा, सिर्फ 3-4 आपको हाँ बोलेगा, काफी है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आइए थोड़ा देख लेते हैं कैसे हम लोग इनवाइट करें। सबका बेहद बेहद वेलकम है, राइट, हमारे इस आज का प्रोग्राम में। हमारा आज मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कैसे हम लोगों को इनकम की बात करके इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइटिंग बेस्ड ऑन इनकम अपॉर्चुनिटी, यानी हम तो करियर काउंसिलिंग, लर्निंग, अर्निंग, कंप्यूटर शिक्षा और रोजगार, ये सब बोल के इनवाइट करते ही है। साथ ही साथ हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या हम लोग साथ ही साथ इसको भी इनवाइट कर सकते हैं, हम लोग क्या लोगों को इनकम की बात बोलकर भी इनवाइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट, किस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, देखिए ये जो लाइन आपका सामने लिखा हुआ है, एक्साइटिंग इनकम अपॉर्चुनिटी इमर्ज्ड ड्यूरिंग कोविड-19। यानी दोस्त, पहले तो आप किसी से भी बात जब करेंगे, याद रखिएगा इनवाइट करने की टाइम आपको जो अप्लाई करनी है, आप जानते हो फॉर्म थ्योरी, यानी फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, सबसे पहले परिवार की हालचाल और बोलो सब कुछ कैसे है, घर में सब ठीक तो है, मम्मी पापा सब खैरियत, आपके भाई बहन सब लोग ठीक है, नॉर्मल बातचीत कीजिए, हाय हेलो, सामने दुर्गा पूजा आ रहा है, कपड़े कितने खरीदे, कहाँ कहाँ घूमने जाओगे, और पूजा पूजा में क्या किस तरीके का सज धज के निकालने का प्लानिंग है, राइट, जो भी आपकी ये सारे बातें करनी है कर लीजिए। करने का बाद जब आखिरी बातें आप करेंगे, जब मनी मैसेज FORM फॉर्म में से फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, अपने हिसाब से बात कीजिए, मनी मैसेज का जगह जब भी आएगा उस समय आप बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात कीजिएगा। सुनो, तो मैं जो बोलना चाह रहा था, एक्चुअली आजकल तुम एक्स्ट्रा टाइम में कर क्या रहे हो? बोले एक्स्ट्रा टाइम में तो कुछ खास नहीं, ऐसे ही बैठा हुआ हूं। तो इसी तरीके से तुम बैठ के ही इंटरनेट को इस्तेमाल करके क्या एक बेहतरीन इनकम करना चाहोगे? वो बोले क्या, कौन सी, क्या, किस चीज के बारे में?
तुम्हें पता है कि लॉकडाउन के अंदर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ चुका है, जो हम लोग घर बैठे कर सकते हैं, राइट, इंटरनेट के इस्तेमाल से कर सकते हैं। COVID-19 काफी लोगों की रोजगार छीना है, काफी लोगों की रोजगार को नुकसान पहुंचा है, पर COVID-19 कोरोना काल में, लॉकडाउन के समय में काफी ऐसे मौके हैं जो उभर के आई है। कहीं बेहतरीन इंडस्ट्री है जो उभर के आई है, ये बोल सकते हैं। फास्टेस्ट जी ग्रोइंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग पैंडेमिक, तुम जानते हो ये कोविड के समय में काफी इंडस्ट्री का हाल तो खराब हुई है, राइट। अच्छा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग पैंडेमिक, पैंडेमिक के दौरान, ये लॉकडाउन के दौरान काफी इंडस्ट्री का हाल खराब हुई है। यस, जैसे लोग शॉपिंग मॉल में जाके कपड़े नहीं खरीदे हैं, जैसे लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा पसंद किया है। COVID-19 के दौरान काफी इंडस्ट्री, जैसे लोग सिनेमा घर पे जाना नहीं, भूल गए, जैसे बड़े बड़े फंक्शंस जो शादी बारी होता था वो नहीं हुए, इसलिए शादी जो मैरिज हॉल है उनकी बिजनेस के हाल खराब है, राइट। कैटरिंग का जो बिजनेस करते थे उनकी हाल खराब है, क्योंकि फंक्शन नहीं हो रहा है तो कैटरिंग कहां से चलेगा। पर काफी ऐसे इंडस्ट्री हैं जो ग्रो कर रहे हैं, और मैं ऐसे ही एक इंडस्ट्री के बारे में तुम्हारे साथ चर्चा करना चाहता हूं। अगर तुम भी चाहते हो नए कुछ मौके, बेहतरीन कुछ, तो मैं तुमसे शेयर कर सकता हूं। उसके लिए मुझे 1 घंटा समय चाहिए, राइट। बताओ कौन सा दिन सही रहेगा, मंडे सुबह या ट्यूजडे शाम। जब भी इनवाइट करोगे क्लोजिंग के टाइम दो ऑप्शन जरूर देना, मंडे सुबह या ट्यूजडे शाम, राइट। इनवाइट करने का समय बोल क्या सकते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग पैंडेमिक, इस समय काल में सबसे बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे जो इंडस्ट्री। अगला पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई कॉमर्स बेस्ड फैब्यूलस इनकम अपॉर्चुनिटी, ई कॉमर्स के ऊपर एक बेहतरीन इंडस्ट्री, राइट। जो के ई कॉमर्स बोले तो उसको बोल सकते हो, देख आज के दिन में लोग कपड़े खरीदने के लिए बहुत ज्यादा लोग दुकान नहीं जाते हैं, कुछ भी चीज खरीदना है फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, मीशो, नए नए ऐप आते जा रहा है, राइट। दुनिया बदल रहा है, पहले जो चीज फिजिकल होता था आज वही चीज डिजिटल हो चुका है। पहले पढ़ाई होता था स्कूल में जाकर, अब पढ़ाई हो रहा है घर पे बैठकर, राइट। पहले कंपनियां काम करते थे आईटी वाले, सॉफ्टवेयर वाले ऑफिस में जाकर, आज काम हो रहा है वर्क फ्रॉम होम, यहां पर बैठ के अमेरिका की लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं लोग, वर्क फ्रॉम होम। मिनिस्टर लोग, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली बुलाकर नहीं, डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन पे। तो ये ऑनलाइन ई कॉमर्स के काम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, मैं ऐसा ही इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, बेहतरीन इनकम कर रहे लोग यहां से। तुम चाहो तो एक चर्चा कर सकते हैं, 1 घंटा समय लेकर ये बोल के इनवाइट कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं थोड़ा, ड्यूरिंग लॉकडाउन एवरीवन सेज दैट मार्केट सिचुएशन इज वेरी बैड, लोग बोल रहे हैं कि मार्केट का हाल खराब है, पर शेयर मार्केट सबसे ऊपर है 59,000, आईटी इंडस्ट्री, फार्मा, वेलनेस इंडस्ट्री, ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री, ई कॉमर्स आर गोइंग रैपिडली, ये सारे इंडस्ट्री बेहतरीन तरक्की पर है। आईटी में जबरदस्त ग्रोथ है, वेलनेस, मल्टीविटामिन, विटामिन सी बनाते बनाते कंपनी थक जा रहा है, इतने जबरदस्त सेलिंग हो रहा है, गिलॉय, नीम, आयुर्वेद का जबरदस्त बिजनेस हो रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन पे नए नए ऐप आ चुका है, वाइजूस तो था, बंगाल में ट्यूटोपी आ चुका है, और भी कहीं सारे ऐसा लर्निंग ऐप जो लोग आज यूज कर रहे हैं, घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, सबकी घर घर में दो दो मोबाइल, तीन तीन मोबाइल आ चुका है, सबकी घर घर में एक्स्ट्रा लैपटॉप, बच्चे की पढ़ाई के लिए, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अलग, सबके घर में वाईफाई कनेक्शन तेज हो चुका है। यानी कुछ इंडस्ट्री को फर्क पड़ी है, नुकसान हुई है, तो कुछ इंडस्ट्री आगे भी बढ़ी है। सो दोस्त, यानी करियर बनाने के टाइम तुम्हें सही प्लेटफॉर्म चुनना जरूरी है, चूज द राइट प्लेटफॉर्म। ऐसे नहीं कोरोना काल में सब डाउन हुआ है, जो मैंने बताया ये सारी इंडस्ट्री आप की है, और मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं ऐसे ही एक इंडस्ट्री के बारे में जो ई कॉमर्स के ऊपर, वेलनेस के ऊपर, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। पर ये सब बताने के लिए मुझे कहीं बैठ के चर्चा करना पड़ेगा, ये सारे चीज जानने के लिए मैं आपको सॉरी फोन पे बता नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं कुछ इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करूंगा, तो समझ ही आ रहा होगा आपको इस चर्चा करने के टाइम पे मुझे
आपके साथ आमने सामने बैठ के कुछ प्रोस्पेक्टस, कुछ लिटरेचर, कुछ स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेट से कुछ लाइव डेटा ये सामने आपको पेश करना पड़ेगा तो ही आप समझेंगे। और इसके लिए जरूरी है एक सही जगह जहां पर कम से कम एक घंटा हम लोग बिना कोई रुकावटे चर्चा कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे आपकी घर में आप ऐसा सिचुएशन बना सकते हो कि एक घंटा हम लोग जब चर्चा करेंगे कोई डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि ये एक बिजनेस डील जैसा होने जा रहा है, राइट? ये एक स्टार्टअप के बारे में चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। मुझे लगता है बेहतर यही होगा, आप लोग हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे एक वर्किंग रूम है जहां पर लाइव इंटरनेट कनेक्शन वगैरह रहता है, लैपटॉप रहता है, सारे प्रोस्पेक्टस प्रोफाइल लिटरेचर रहता है जो आपको समझने में मदद करेगा। समझ आ रहे? जब भी आप बात करेंगे ये सारे दो से तीन मिनट मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, ज्यादा नहीं। याद रखिएगा, इनवाइट करने जा रहा है, प्लान दिखाने नहीं, दोबारा बोल रहा हूं, इनवाइट करने जा रहे हो, स्नैक्स देनी है, पूरी लंच नहीं, राइट? चाय बिस्कुट देनी है, टिफिन, पेट भर के खाना नहीं। सारे बताते मत जाइएगा, वो बोलने लगा अच्छा बात थोड़ा बताओ और क्या है, बोले किस चीज के बारे में बताए, बोलो आपको वेलनेस के बारे में अभी बताए, या आईटी के बारे में बताए, या ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताए, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बताए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करें। हर एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करना है, इसीलिए तो आपने सामने बैठना है। हेलो, समझ आ रहा है? सवाल आ सकता है ये क्या है या इसमें रोजगार कितनी होगी। सवाल के बदले में कोशिश कीजिएगा दूसरी सवाल करना, कितनी रोजगार की उम्मीद आपको है। जवाब ऐसा जवाब होगा, राइट? फिर वो देखिएगा हर बार आ जाएगा, नहीं मतलब जो भी है, मतलब थोड़ी तो अच्छा होना चाहिए, थोड़ी नहीं बहुत अच्छा होगा। अभी मैं अगर बोलूंगा आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे आपको सबसे पहले बताना है इनकम किस आधार पर आएगा, तो ही मैं इनकम की इक्वेशन आपको बता पाऊंगा। हेलो, समझ आ रहे? जो स्टूडेंट है, यूथ है, जो जॉब ओरिएंटेड लाइन पे जाना चाहते हैं, उनके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, उनके लिए अलग प्रोजेक्शंस हैं। तो आके आपने सामने बात करेंगे। याद रखिएगा, मैंने एक लाइन लिखा, यू आर जस्ट गोइंग टू सी द बॉय और गर्ल, नॉट गोइंग टू मैरी। उसको बताना है, भाई तुम लड़की देखने आ रहे हो, शादी करने नहीं। ऐसे नहीं है, तुम्हें ये लड़की देखने आया तो लड़की वाले बांध के रख देंगे और लड़की को आपके पीछे भेज के शादी करा देगा। नो, लड़की देखने जा रहे हो, उसके बाद आके सोचना, बताना कि शादी करनी है, आगे बढ़ना है या नहीं, राइट? तो तुम भी एक प्रेजेंटेशन सुनने जा रहे हो, राइट? तुम भी एक डिस्कशन में शामिल होने जा रहे हो, एक प्रोपोजल को जानने के लिए जा रहे हो। इसके मतलब ये नहीं है कि इस प्रपोजल पे तुम्हें शामिल होना ही पड़ेगा। हेलो, समझ आ रहा है? देख लो, जान लो, मतलब का है तो ठान लो। क्या बोला मैंने? देख लो, जान लो, मतलब का है तो ठान लो, नहीं तो निकल लो, नहीं तो निकल लो, राइट? यस, बहुत बढ़िया। उसको एक ऐसा सोच देना है कि कोई जबरदस्ती नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कूल, चिल, कम ऑन, जस्ट डिस्कशन में आप आ रहे हो, सुनने आ रहे हो, जानने आ रहे हो, निर्णय लेने नहीं। क्योंकि पूरा प्रेजेंटेशन शेयर होने का बाद हम लोग देख लेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए आप कितने काबिल हो, आप देख लेना ये प्रोजेक्ट आपके लिए कितने फायदेमंद है, राइट? बात वही होती है जब दोनों तरफ डील वही क्लोज होता है, जब दोनों तरफ फायदे की बात होता है। आप अपना फायदा देख लेना, हम देख लेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए आगे लेके जाने के लिए आप कितना सक्षम हो। चर्चा कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं, पहले डिस्कशन में हिस्सा ले लेते हैं, राइट फ्रेंड्स? यानी उसको बार बार इस चीज की एहसास दिलाना, यहाँ कोई जबरदस्ती प्रेशर तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, प्रेशर फ्री, दोबारा बोल रहा हूं, प्रेशर फ्री, राइट? तनाव फ्री, ये सोच देना। क्योंकि काफी इनवाइटी के अंदर एक सोच होता है, मैं कहीं गया, सुन लिया तो कहीं ना कहीं मैं तो कहीं फंस गया, तो जबरदस्ती हो गया, तो नहीं। ये बात उनको बार बार एहसास दिलाना, ऐसा कुछ नहीं भाई। आज तुम भी जो अच्छे जिंदगी जीना चाहते हो, तुम भी ढूंढ रहे हो, तुम भी आज के दिन में अलग अलग लोगों से सवाल करते हो, यार किस चीज का बिजनेस किया जा सकता है, आइडियाज मांगते हो, राइट? और सब लोग तुम्हें खिचड़ी बना देता है, अलग 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 लोग अपने अपने राय देकर,
अगर राय लेनी है एक्सपर्ट से लो, राय लेनी है एक्सपर्ट से लो। तो जो डिस्कशन होने जा रहा है उसमें कुछ एक्सपर्ट लोग रहेंगे जिनको आईटी, वेलनेस, राइट, हर एक इंडस्ट्री के बारे में, ई कॉमर्स, एफएमसीजी, बेहतरीन आइडिया है, चर्चा कर लो। अगर उससे तुम्हें जिंदगी में बेहतर बेहतर करने का कुछ मिल जाए, आगे सोचो। मैं जितना देखा हूं बहुत लोग यहाँ से तरक्की के रास्ते आगे बढ़ चुके हैं, कुछ पार्ट टाइम समय देकर, कुछ फुल टाइम समय देकर, कुछ तो लाइफ टाइम समय देकर, कुछ नौकरी करने के साथ साथ, कई लोग बिजनेस करने के साथ साथ, कई लोग स्टूडेंट रहते हुए। तो अपने हिसाब से देख लो। उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो बोला यार डोंट माइंड, आज मैं बहुत बिजी हूं, लगातार मेरा कॉल्स आ रहा है, क्योंकि काफी लोग मुझे अपॉइंटमेंट के लिए बोल के रखा था, मालूम नहीं मैं कल किस किस को कंफर्म कर पाऊंगा, इसलिए काफी सारे कॉल आ रहा है। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी अंदर इस उत्सुकता देखते हुए, और मुझे लगता है जब हम लोग परसों के दिन मिलेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने जा रहा है। याद रखिएगा, इनवाइट जो आप करेंगे उससे प्रेजेंटेशन की दिन 2-3 दिन के अंदर होना चाहिए। आज इनवाइट कर रहे हैं, 15 दिन बाद आएंगे बुलाने के लिए, तो ये जो आपने इनवाइट किया था उसकी जो आकर्षण था, उसकी जो ताकत था वो कम हो जाएगी। तो कभी भी किसी को इनवाइट करना है, कोशिश कीजिएगा 2-3-4 दिन आगे कॉल करने के लिए। अगर किसी को कॉल करके आपने देखा अगले 3-4 दिन के अंदर वो फ्री नहीं है, तो उस दिन की वार्तालाप सिर्फ पर्सनल तक रखिए, हाय हेलो और कैसे हो। तो मैं शायद एक खुशखबरी मैं दे सकता हूँ, देखता हूँ अगर होता है तो अगले वीक को बताता हूँ। एक उत्सुकता पैदा करके छोड़ दीजिए, अगले वीक कॉल कीजिए, पर कोशिश कीजिएगा इनवाइट यानी ऑफर जब करेंगे उससे प्रेजेंटेशन के दिन ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, 2-3 दिन के अंदर होना चाहिए, और हो सके तो प्रेजेंटेशन के एक दिन आगे दोबारा एक रिमाइंडर दे दीजिएगा, टुमारो आवर अपॉइंटमेंट इज फिक्स्ड एट 11 AM एट दिस प्लेस, राइट। तो मैंने तुम्हारे लिए ये समय को फ्री रखा हूं, उम्मीद है हम लोग एक बहुत बेहतरीन चर्चा करने जा रहे हैं, ताकि एक रिमाइंडर कि हम तुम्हारे लिए टाइम खाली छोड़े हैं। तो उम्मीद है हमारा ये डिस्कशन बेहतरीन होने जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग इनवाइट कर सकते हैं, इनकम की बात को बोलकर, मौके की बात बोलकर, इंडस्ट्री बेहतरीन रोजगार आ रहा है इसको बोलकर, बहुत लोग जिंदगी बना रहा है इन बातों को बोलकर। नेक्स्ट, बिफोर शोइंग द प्लान प्रोस्पेक्ट शुड बी ब्रीफ्ड अगेन ऑन द इनकम अपॉर्चुनिटी, यानी जब भी आप उनको प्लान दिखाने जा रहे हो दोबारा, प्लान शो शुरू करने के पहले 3-4 मिनट एक माइंडसेट बात कर लीजिए। जो लोग यहां पर है यूट्यूब में है, जो लोग प्लान शो करते हैं, आप लोग याद रखिएगा, काफी टाइम क्या होता है, इनवाइट किया जाता है करियर काउंसलिंग, लर्निंग, अर्निंग, कंप्यूटर, तो उनको लगता है कि सिर्फ कंप्यूटर या आईटी का बात होगा। तो उस समय जब आप इनकम दिखाना शुरू करते हो आपके अंदर हिचकिचाट होता है, इनकम दिखाऊं या ना दिखाऊं। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, आज हम 2021 में हैं, इस समय पे एक 18 साल का लड़का भी पैसा कमाना चाहता है, 12 साल का लड़की सुरजीत उस दिन दिखा रहा था, जिनका जो एक बेहतरीन ब्लॉगर है, राइट। तो आज के दिन में पैसा कमाने का कोई उम्र नहीं है, 18 साल हो चुके हैं तो आपके हाथ में स्मार्टफोन आ चुका है, तो इतने स्मार्ट बन चुके हो कि आपके पास खाली पीली टाइम है पैसा कमाने के लिए। पर हमारे सजेशन ये रहेगा, मिनिमम ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट करें, उससे नीचे नहीं, राइट, उससे नीचे मत जाइए, तो आपको लीडर बनाने में काफी तकलीफ हो जाएगा। बिना ग्रेजुएशन से पहले लोग के अंदर मैच्योरिटी नहीं आता है, खास करके कोई अगर ग्रेजुएशन कर रहा हो और उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत औसत हो, एवरेज हो, कमजोर हो, तो जरूर उनको आप पहले प्लान दिखाइएगा, क्योंकि उनकी वो जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, प्लेन बीए, प्लेन बीकॉम, ये पढ़ाई ना करने की बरोबर है, इस पढ़ाई से भविष्य में कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ ग्रेजुएशन का 3 साल बर्बाद होगा। पढ़ाई छोड़ने भी नहीं बोलनी है, बेसिक एक डिग्री जरूरी है, राइट। पर जो खाली पीली समय बहुत होता है ऐसे लोगों के पास, जो वो बर्बाद करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, डिफरेंट जगहों पर, तो उसको जरूर इन्वाइट करना है, क्योंकि आप जानते हैं नौकरी की हाल बेहद गंभीर है इस समय। बंगाल की अगर मैं बताऊं, सिर्फ पुलिस में नौ भर्ती है, बाकी रेल से लेके, बैंक से लेके, पोस्ट ऑफिस से लेके, बाकी सारे गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब नहीं निकल रहा है। सो माय फ्रेंड्स, लोगों को जरूर मौका दीजिए, लोग मौके की तलाश कर रहे हैं, आप नहीं देंगे तो कोई और दे देगा, आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा स्मार्ट वैल्यू वाला आपको इन्वाइट करेगा, यस, आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उसको ले देगा। चलिए, प्लान दिखाने का टाइम एक बार या तो जो सीनियर प्लान दिखा रहे हैं वो, या तो जिन्होंने इनवाइट किया उनकी सीनियर बताएगा, ऐसे
तो लीटर देव कुमार जी, आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं अगले एक घंटा, इस चर्चे में काफी सारे विषय के ऊपर बात होगा, जरूर आपकी दोस्त आपको बोला होगा। हम लोग चर्चा करेंगे आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर, एग्रो इंडस्ट्री के ऊपर, हम लोग चर्चा करेंगे ई कॉमर्स के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर, हम लोग चर्चा करेंगे इनकम करने के अलग अलग तरीकों के ऊपर, जॉब करके एक लिमिटेड इनकम करने की मौके, एंटरप्रेन्योर बन के एक अनलिमिटेड इनकम करने की भी मौके। तो सारा विषय आज अगले एक घंटे में आपके साथ चर्चा किया जाएगा। उसके बाद आप अपनी जरूरत के हिसाब से, आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुनना आपके लिए क्या सही रहेगा। पर मेरा यही अनुरोध रहेगा आपको, पूरी एक घंटा आप कंसंट्रेशन के साथ प्रेजेंटेशन को अटेंड कीजिएगा। हो सकता है शुरुआत के 10-15 मिनट जब आईटी के बारे में बताना हो, बता रहा हो, उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, पर वेलनेस में आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। हो सकता है इनकम के लिए ऊपर आपकी ज्यादा दिलचस्पी होगी, वो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन सारी चीज क्लियर होंगे। पर प्रेजेंटेशन से पहले ये ओपन माइंड रख के चलिएगा, यहाँ पर अलग अलग कैरियर बनाने की दिशा के ऊपर, रोड मैप के ऊपर चर्चा किया जाएगा। क्या मेरा बात समझ आ रहा है? क्योंकि पहले माइंडसेट भी वैसा हुआ तो प्लान शो वो मन लगाकर सुनेगा, राइट? ये मैं जरूर वो लोगों को बोलूंगा जो प्लान शो कर रहे हैं ये बात कर लेने के लिए। दूसरा, प्लान शो के दौरान आपने इनवाइट के दौरान क्या बोला, इनकम, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बहुत लोग इनकम कर रहे हैं, जबरदस्त मौके। जब इनवाइट में भी ये बताएं, प्लान शो की पहले भी सेम बात बताएंगे, प्लान शो के दौरान भी याद रखिएगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुड बी हाईलाइटेड प्रॉपरली। प्लान शो के दौरान बेहतरीन तरीके से आपको इनकम का प्लान दिखाना है, मत छुपाइए। दादा नेटवर्क मार्केटिंग देख के ना कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ 10 लोग प्लान देखेगा 6 लोग नहीं आएगा, 7 लोग नहीं आएगा, नहीं चाहिए हमें, हमें 3 लोग ही चाहिए। एप्पल फोन की मालिक जानता है मेरा फोन भारत देश की 1% लोगों के लिए है। BMW मर्सिडीज जानता है हमारे कस्टमर कौन है। साइकिल खरीदने वाला आदमी कभी वो 10 लाख का होंडा सिटी खरीदने, 20 लाख का, 15 लाख का होंडा सिटी खरीदने नहीं जाएगा। हम भी जानते हैं हमारे पास भी वही आएंगे जिनको इनकम की जरूरत है, राइट? जिनको इनकम से एलर्जी है वो नहीं आएंगे। सबके बात मत सोचिए, पर जो आएंगे वो सही देख कर आए, वो इनकम देख कर आए, ताकि आने के बाद आपको ज्यादा मशक्कत करना नहीं पड़ेगा उसको फोकसिंग कराने के लिए, राइट फ्रेंड्स? इसलिए प्लान शो के दौरान, प्लान शो के दौरान बोलिए कम, दिखाइए ज्यादा। इसलिए सक्सेस स्टोरी, टेस्टिमोनियल्स, कार की फोटो, फॉरेन ट्रिप की फोटो, 5-स्टार होटल की फोटो, नेशनल ट्रिप की फोटो, ये सारे चीज जरूर दिखाइए, डिस्प्ले कीजिए प्लान शो के दौरान कि देखिए इस तरीके से लोग सक्सेसफुल हो रहा है। आपके पास स्मार्टफोन है अच्छी बात है, टैब लैपटॉप है तो और अच्छी बात, जो भी आपके पास हो उससे आप जरूर ये सारे चीज दिखाते जाइए, राइट फ्रेंड्स? ये है ड्यूरिंग प्लान शो। अब मैं आपको कुछ लोगों के सवाल, दादा इनकम दिखा तो दिया, पर प्रॉब्लम ये है कि जब फॉलो अप में जाते हैं एक दिक्कत आता है, वो क्या है, जब गार्जियन पूछता है इनकम कैसे होगा, उसमें दादा हम क्या बताएं, गार्जियन तो प्लान नहीं देखा। यस, मैं भी जानता हूं। तो आइए कुछ टिप्स आपके लिए फॉलो अप के ऊपर, कैसे कोई अगर बोलेगा फॉलो अप के ऊपर कि किस तरीके से, हाउ माई सन और डॉटर विल अर्न, मेरा बेटा किस तरीके से इनकम करेगा, अगर कोई आपको पूछता है तो आप उसको क्या जवाब दे सकते हैं? गार्जियन को आप देते हैं आपकी जवाब, मैं आपको कुछ और क्ल्यू, कुछ और आइडियाज दे रहा हूं। याद रखिएगा जो फॉलो अप करते हो, प्लान थ्रू अप करते हो, करते जाइए। ये सारे ट्रेनिंग के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज, सजेशन, गाइडलाइन दिया जा रहा है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो रिजल्ट की चांसेस और बेहतर हो जाएगी। कैसे, कोई अगर पूछा चाहिए तो ठीक है, मेरा बेटा यहां से या बेटी इनकम कैसे करेगा, यहां से इनकम की जगह पर हम लोग थोड़ा से लड़खड़ा जाते हैं, जैसे इनकम दुनिया की कौन सी गलत बात, पाप बात, राम 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 राम, हरे कृष्णा, इनकम की बात मैं गार्जियन से करूंगा, नहीं बाबा, उस गार्जियन को भी इनकम की जरूरत है, वो बेचारे पापा भी परेशान है, हस्बैंड वाइफ, बूढ़े माँ बाप, उनके सास ससुर, 2 बच्चे, पढ़ाई खर्चे, उनकी ग्रोसरी, पेट्रोल डीजल के दाम, बिजली बिल, ये सारे खर्चे करते करते पापा थक जाते हैं। एक्स्ट्रा इनकम करके अगर बच्चे मदद करेंगे, कोई शर्म की बात नहीं है,
मैं भारत के अलग अलग हिस्सों में जाता हूँ, बॉम्बई शहर में 18-19 साल का बाद कोई लड़का लड़की घर बैठे हुए नहीं रहता है, घर में चार मेंबर है तो चारों पैसा कमाते हैं। यूरोप अमेरिका में ऐसा कोई विचार ही नहीं है कि 18-20-22 साल के बाद भी लड़का लड़की बैठ के पिताजी के ऊपर खाए खाना खाएगा, पिताजी पालेगा सबको। नो, अगर आपके पिताजी उस देश की प्रेसिडेंट भी है, बराक ओबामा भी है, जो बाइडेन भी है, तो भी 18 साल के बाद आपको अपनी काम करनी है, क्योंकि वहां पर काम की पूजा होता है। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, ये जो विदेश में कर्म भूमि है, ये कर्मों की पूजा होता है, कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, ये हमें उनसे सीखना चाहिए। वो लोग हमसे बहुत कुछ सीखेंगे, हमारे स्पिरिचुअलिटी, हमारे आध्यात्मिकता, हमारे प्यार परिवार के अंदर, ये वो लोग सीखेगा हमसे। लेकिन विदेशों से हम क्या सीखेंगे, उनकी कर्म संस्कृति, वर्क कल्चर। 18 साल हो गए, कोई डिपेंडेंट नहीं है अपने परिवार के ऊपर, सेल्फ डिपेंडेंट। यस, हमारे देश के अंदर भी एक कल्चर होना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट रहते रहते अपनी इनकम करने की जिम्मेदारी नहीं लेता, तो मैं अपने परिवार को आज इतनी बेहतरीन खुशियां नहीं दे पाते, ना ही इतने सारे लीडर्स आज जो लोग यहाँ पर है, आज जो बड़े बड़े बंगलों, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप अचीवमेंट की है। काफी लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके पिताजी बचपन में गुजर चुका था, मैं जानता हूँ, लिटन दास जी, अवरो भट्टाचार्य जी, और भी बहुत सारे होंगे शायद, मैं किसी के नाम नहीं बोल पा रहा तो बुरा मत मानिएगा, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जिनके पिताजी बचपन में गुजर गए थे, ऑलरेडी इनको इनकम करना ही था पहले से ही, अपनी विधवा माँ, अपनी बहन, अपनी दीदी, अपनी पूरी परिवार को संभालने के लिए। सो दोस्तों, इनकम को छुपाइए मत, इवन फॉलोअप में गार्जियन के पास भी जाकर। हाँ, तरीका क्या होना चाहिए, प्लान तो नहीं दिखा पाओगे पूरा, वो समझ भी नहीं पाएंगे। क्या बता सकते हैं, मेरा बेटा कैसा इनकम करेगा, पहला आंसर, कैसा मेरा बेटा या बेटी इनकम करेगा, तो जवाब हो सकता है, दे विल लर्न आईटी कंप्यूटर व्हिच विल ब्रिंग अर्निंग। यानी आपका बेटा यहां से इनकम करेगा दो तरीके से, पहले अपनी काबिलियत बढ़ाएगा, फिर कामयाबी अपने आप आएगा। हम लोग दो तरीके से यहां काम करते हैं, एक काबिलियत बढ़ाने के ऊपर, फिर कामयाबी। तो पहला रास्ता हम लोग का होगा, उनको हम लोग आईटी कंप्यूटर, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे चीज सिखाएंगे जो जरूरी है आज के दिन में इनकम करने के लिए। एक डॉक्टर को इनकम करने के लिए एक डिग्री की जरूरत है, एक इंजीनियर को इनकम करने के लिए एक डिग्री की जरूरत है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनकम करने के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत है। आपका लड़का के पास सिर्फ बीए, बीकॉम, बीएससी है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। हम लोग वो पढ़ाई उनको देंगे यहां से, जिसके जरिए से वो आने वाला दिन पे इनकम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटा जॉब सेक्टर में जाए, 12-15 हजार की इनकम करे, हम खुश है इतने में ही, तो हमारे पास वो रास्ता है। अगला रास्ता, आप बोलते नहीं सिर्फ 10-12-15-20 हजार क्यों, उससे बेहतर अगर इनकम किया जाए तो अगर आप इसमें सहमत हो तो आपकी बेटे को हम बेटा बेटी को भेजना है हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में, उनको हमारे जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होगा उसको अटेंड करवानी है, उसको दिन में एक घंटा निकालनी है हमारे ट्रेनिंग सिस्टम लेने के लिए, जहां पर हम लोग उनका एटीट्यूड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देंगे, उनके व्यक्तित्व की विकास करेंगे, वार्तालाप करने के तौर तरीके को सिखाएंगे, राइट। ये सब सिखाने से आने वाला दिन पे आपका बेटा कोई भी अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करने जाए, चाहे इंश्योरेंस में, चाहे फार्मा कंपनी में, चाहे रिटेल सेल में, चाहे कहीं पे भी बैंकिंग में, ये सारा नॉलेज उसको काम आ जाएगा। बैंक में आप जाते हो, जो बैंक में आदमी बैठा हुआ है उनके पास जो लोग जाते हैं कस्टमर, उनको सिखाया जाता है हाउ टू हैंडल कस्टमर। आप जब कोई शॉपिंग मॉल में जाते हो, जो आदमी वहां पर है वो है एक सेल्स प्रोफेशनल, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग प्रोफेशनल, उनको सिखाया जाता है हाउ टू हैंडल कस्टमर। क्योंकि हर एक कंपनी चाहता है बिजनेस लाना, क्योंकि बिजनेस लाएगा तो ही कंपनी बड़ा होगा, तो ही कंपनी कर्मचारी को रख पाएगा। जो कंपनी बिजनेस नहीं कर पाएगा वो लॉस में जाएगा, तो वो कर्मचारी कहां से पालेगा। ये है दूसरा जगह इनकम करने के लिए, काबिलियत डेवलप करके देंगे हम लोग। तीसरा, अगर आप बोलेंगे नहीं सिर्फ काबिलियत नहीं, आपके पास डायरेक्टली इनकम करने का कोई मौका नहीं है, यस वो भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लड़का लड़की यहां से तुरंत इनकम करना चालू करे, तो आपको जो करना पड़ेगा, इफ दे वांट टू अर्न डायरेक्टली फ्रॉम दिस सिस्टम,
देन आपको उसको 10 से 15 घंटा फिजिकली हर हफ्ता देना पड़ेगा हमारे यहाँ पर, जैसे उसकी संडेज होता है, हॉलीडेज होता है, पढ़ाई के बाद काफी खाली टाइम होता है, उस टाइम को हम लोग उनको सिखाएंगे मैनेजमेंट स्किल। हम लोग आपका बेटा या बेटी को सिखाएंगे टीम मैनेजमेंट, एक टीम को कैसे मैनेज किया जाता है, रिसोर्स यानी उनके पास जितने लोग हैं, उसको उसके पास जितनी सुविधाएं हैं उनको कैसे मैनेज करनी है, टाइम मैनेजमेंट, राइट, इतने समय के अंदर इतने काम कर लेना अपने टीम के साथ कैसे करनी है, लीडरशिप मैनेजमेंट, खुद एक सीनियर बनके अपने जूनियर को कैसे आगे लेके जाना है। बोले अभी मैं आपको उदाहरण तौर शॉर्ट में बताता हूं ये क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं इन्हें बैंक में क्या होता है, इन्हें बैंक मैनेजर नोज हाउ टू मैनेज ए बैंक, राइट फ्रेंड्स। एक बैंक मैनेजर, मैनेजर शब्द के अंदर एक चीज छुपा हुआ है, मैनेज यानी जिनको मैनेजमेंट आता है, जिनको दूसरे को मैनेज करना आता है, जिनको जिनके अंदर मैनेज करने की क्वालिटी नहीं है वो बनता है क्लार्क, और जो जिनको मैनेज करना आता है वो बनता है मैनेजर। एक स्टेशन मास्टर कौन बनता है, जो पूरी स्टेशन को मास्टरी करना या मैनेज करना आता है, उस स्टेशन में जितनी कर्मचारी है उनका सीनियर की तौर पे सबके काम बांटते हैं, भाई तुम जो करोगे तुम टिकट दोगे, तुम्हारा काम है टीटी टिकट चेक करोगे, राइट, तुम्हारा काम है अनाउंसमेंट करना, राइट, और पूरी चीज को मैनेज करता जो आदमी स्टेशन मास्टर यानी उसके अंदर क्या है मैनेज करने की क्वालिटी। स्कूल में होता है हेड मास्टर, क्या काम है, खुद क्लास लेते हैं अपनी, साथ में असिस्टेंट हेडमास्टर, इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, साइंस टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, सबको काम बांट देते हैं, ये 10 बजे से लेकर 4 बजे के अंदर इतनी क्लासेस होनी चाहिए पूरे स्कूल में। स्कूल की प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करता है, वो होता है हेडमास्टर, और नहीं तो नॉर्मल टीचर हो जाता है। देखिए कैसे लोग ग्रो करते हैं कंपनीज में, पहला कोई आदमी बनता है क्लार्क में जाता है, नॉर्मल क्लार्क या एग्जीक्यूटिव, फिर जब उसके अंदर 5 लोगों को चलाने की कैपेसिटी आता है 5-10 लोगों को, तो क्या बन जाता है अगला पोस्ट, सुपरवाइजर, राइट, सुपरवाइजर। फिर जब वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, वो 10-20 लोगों को मैनेज कर सकते हैं, तो उनकी पोस्ट बन जाता है जूनियर मैनेजर। और जब एक आदमी और क्वालिटी ला लेते हैं और ज्यादा टीम को लोगों को मैनेज करने का, तब वो बन जाता है सीनियर मैनेजर। जब एक बैंक का आदमी पूरी बैंक को मैनेज करता है तो वो बनता है बैंक मैनेजर। और जो 5 बैंक की सारे कर्मचारियों को मैनेज करना जिनको आता है, क्वालिटी आता है, लीडरशिप क्वालिटी है जिनके अंदर, वो बनता है सीनियर मैनेजर। जिनको पूरी कलकत्ता का सारा बैंक को मैनेज करना आता है वो बन जाता है एरिया मैनेजर। जिनको पूरी वेस्ट बंगाल मैनेज करना आता है, जितनी सारे बैंक कर्मचारी, वो बनते हैं रीजियोनल मैनेजर। और जिनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, इन पूरी जोन को मैनेज करना आता है, उनको बन जाता है जोनल मैनेजर। और जिनको पूरी कंपनी को मैनेज करना आता है वो बन जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी मैनेज करने का मास्टर। यानी अंकल आंटी आप समझ लीजिए लास्ट स्लाइड, जो यानी जो ज्यादा मैनेज कर सकता है, जो ज्यादा लोगों की टीम को मैनेज कर सकता है, वो कंपनी में ज्यादा सीनियर बनते हैं। और जो सिर्फ अकेला खुद काम करेंगे 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा, वो जिंदगी में क्लार्क बन के ही रह जाएंगे, एग्जीक्यूटिव बन के रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लास्ट स्लाइड, डोंट यू वॉन्ट योर सन और डॉटर शुड लर्न ऑल दिस स्किल, आप नहीं चाहते हो आपकी बच्चे के अंदर भी ये टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट, ये सारे क्वालिटी आए? आंटी ये क्वालिटी अगर नहीं आएगा तब वो बहुत छोटे पोस्ट में ही रगड़ते रह जाएंगे, जिंदगी में जब रिटायर्ड होंगे तब भी क्लार्क बनकर। और अगर मैनेज करने की क्वालिटी है तो गाड़ी मिलेगा कंपनी में नौकरी करते हुए भी, घर मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, सीनियर जितने होते जाएंगे सैलरी बढ़ता जाएगा, हम भी उनको ये सारे क्वालिटीज देंगे जिसके जरिए से उनके अंदर ये हमने क्या बताया उनको, यानी हमने क्या मैसेज दिया गार्जियन को कि आपका बेटा आपका बेटी को क्या सिखाना जरूरी है, मैनेज करने की क्वालिटी। मेरे साथ सहमत है आप लोग? हेलो, यस, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट। तो हम भी आपका बेटा बेटी को यही सिखाएंगे, लीडरशिप मैनेजमेंट। और इसीलिए उनको ट्रेनिंग में जानी है,
आने वाला दिन पे उनकी गार्जियन जब बोलेगा वो यहाँ पर लोगों को लेके काम करना है, कोई नहीं बोल पाएगा। तो आंटी आप मुझे बताइए, बैंक मैनेजर क्या गाय भैंस को लेके काम करते हैं? कंपनी में जो एरिया मैनेजर होते हैं वो क्या बिल्ली के साथ काम करते हैं या बकरे के साथ? वो जो आदमी ज्यादा लोगों को मैनेज कर सकता है वही तो बड़े लेवल पे जाते हैं। जो एक विधानसभा के लोगों को मैनेज कर सकता है वो एमएलए बनता है, और जो 7 विधानसभा के लोगों को मैनेज कर सकते हैं वो एमपी बनता है, मिनिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो पूरे राज्य को मैनेज करना आता है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और जिनको पूरे देश को मैनेज करना आता है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, है ना। सेम वे पे कोई भी जगह पे ज्यादा लोगों को मैनेज करना आ गया तो आप बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे, चाहे बिजनेस हो चाहे पॉलिटिक्स हो। यस, जिनको पूरी टीम को मैनेज करना आता है वो कैप्टन बनता है, राइट। और जो सिर्फ अपने खेल कूद को लेके सिर्फ है वो सिर्फ प्लेयर बनेगा, पर कैप्टन या कोच नहीं बनेगा, राइट। पूरी टीम को मैनेज करने के लिए टीम मैनेजर भी होता है, यानी आपको टीम लोगों को मैनेज करने की खूबी आना ही पड़ेगा, तो ही जिंदगी में आप तरक्की करोगे। नहीं तो जिंदगी भर आप एक छोटा मोटा एग्जीक्यूटिव बन के ही, क्लर्क बन के, बाबू बन के जिंदगी निकाल दोगे। 60 साल के बाद जो पेंशन आएगा उस पेंशन से आपकी मेडिसिन की खर्चा भी नहीं निकलेगा, राइट। तकलीफ से तकलीफ ज्यादा मिलेगा और रोजगार कम से कम आएगा। लेकिन आप अगर तरक्की करोगे कोई भी काम में, इवन अगर आप नौकरी भी करते हो, तो ही आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा। सो हमारे सिस्टम में भी ये बनेगा। हमारे सिस्टम में ऐसा 17 लेवल है, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4। आंटी Level 1 आप नहीं समझ पाएंगे, जस्ट एक आधा बोल रहा हूँ सुपर स्मार्ट है, जस्ट ऐसा ही नाम है। ऐसे ही दूसरे लेवल पे पहुंचेंगे तो बोनस मिलेगा, तीसरे लेवल पे बोनस मिलेगा 80,000, चौथे लेवल पे 170,000, पांचवे लेवल पे 260,000। मैंने नाम नहीं बोला सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड ऐसे नहीं बोला, हमने बोला Level 1, Level 2, Level 3। जैसे कि एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हमारे यहाँ पर भी ऐसा है। हर लेवल पे बोनस है, फॉरेन ट्रिप है, एसपीएल है, नेशनल ट्रिप है, राइट। तो आप खाली अपने बेटा बेटी को छोड़िए इन ट्रेनिंग को देने के लिए, बाकी हम लोगों के ऊपर विश्वास भरोसा रखिए, इनकी काबिलियत हम लोग बना के देंगे। सो दोस्तों इस तरीके से बोल सकते हैं, हम फॉलो अप बोलोगे, सामने वाला आदमी भी, सामने वाला अंकल आंटी भी विश्वास करने पे मजबूर होंगे। ये तो बात सही बोल रहे यार, हम तो जाके देखते हैं बैंक में ऐसा ही होता है। जो आदमी क्लर्क है उसको छोटा सा केबिन मिलता है जगह, और जो मैनेजर है वो कोट बोट टाई में बड़ा सा उनका केबिन होता है, एसी रहता है, सामने पानी की शीशा का ग्लास होता है, बड़ा सा टेबल होता है ना। सब लोग सर 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 बोल के घुसते हैं, उनकी केबिन की बाहर लिखा होता है बैंक मैनेजर। पुलिस में जो आदमी सिपाही है, कांस्टेबल है, वो बेचारे खड़े रहते हैं, और जो ऑफिसर इंचार्ज, बड़ा बाबू, थाना इंस्पेक्टर, उनके अलग केबिन होता है ना। उनकी घर पे जाने के लिए परमिशन चाहिए। तो किसको तरक्की होती है नौकरी में भी? जिनको लोगों को मैनेज करने की क्वालिटी है, टीम मैनेजमेंट। हम भी तो वही सिखाते हैं, हम भी तो वही सिखाते हैं मैनेजमेंट। तो सही मायने पर यही मैनेजमेंट सीखने के लिए लोग एमबीए पढ़ने जाते हैं, एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, लोग लाख रुपया खर्च करके पढ़ने जाते हैं, और हम लोग वही चीज को सिखाते हैं हाथ पकड़कर प्रैक्टिकली, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस तरीके से काम को करते जाइए, बेहद समय नजदीक है हमारा, क्वालिफाई करना है हम सबको। अब आज आपने सीख लिया इनकम को बोलकर कैसे इनवाइट करें, अब किसकी किसके ऊपर क्या लागू करें, जो भगवान जो फूल से संतुष्ट है। अब हर एक भगवान को देखो अलग अलग प्रसाद चाहिए, गणपति बप्पा को क्या चाहिए, लड्डू चाहिए, मोदक चाहिए, हाँ, लेकिन हमारे दुर्गा माँ को क्या चाहिए, रसगुल्ले, कलकत्ता की मिठाई, है ना। अलग अलग देवियों के लिए अलग अलग फूल, फ्लावर, देखना सरस्वती माता के लिए सफेद कलर का फ्लावर है ना, लक्ष्मी माता के लिए गेंदा फूल, काली माता के लिए अलग से लाल कलर का फूल आता है, यानी देवता के लिए भी तो अलग अलग चीजें हैं। तो हर इंसान की जरूरत अलग अलग। स्टूडेंट को जब इन्वाइट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, राइट, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉगिंग एक्सपर्ट, ये सब बोल के इन्वाइट कीजिए। पर जो इंसान पढ़ाई खत्म कर चुका है, नौकरी ढूंढ रहा हो, जो इंसान पार्ट टाइम नौकरी कर रहा है पर तनख्वाह बहुत कम है, ढूंढ रहे अच्छे कुछ, वो इंसान जो हाउस वाइफ है पार्ट टाइम में इनकम ढूंढ रहे, वो इंसान
जो कोरोना काल में जिनके बिजनेस में बेहद नुकसान आई है, बेहतर इनकम का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग जिनको इनकम चाहिए, सीधा बात कीजिए। मैं आपके साथ एक चर्चा करना चाहता हूं एक बेहतरीन रोजगार करने की मौके की ऊपर, जो कोरोना काल में उभर के आई है। कोरोना काल में बहुत सारा इंडस्ट्री का हाल खराब हुई है, पर बहुत सारा इंडस्ट्री तेजी के साथ तरक्की की है, जैसे कि आईटी, वेलनेस, ऑनलाइन एजुकेशन। इसीलिए कोरोना में सब बोल रहे हैं बिजनेस खराब है, पर जीडीपी ग्रो कर रहा है, शेयर मार्केट बहुत ऊपर में है। आप मालूम नहीं आप ये सब खबर रखते हो कि नहीं, मैं भी कभी रखता नहीं था, पर मेरे भी आंख खुल गई जब मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। मुझे लग रहा था इतना दिन कुएं का मेंढक बन के मैं जिंदगी जी रहा था। स्मार्टफोन था लेकिन उसको स्मार्ट तरीके से काम में नहीं लगा रहा था। स्मार्टफोन की इस्तेमाल सिर्फ सेल्फी और बैकफी, मुंह को चूहे बनाकर फोटो लेता, इस्तेमाल सारे गलत काम में करता था। जिंदगी में पहली बार स्मार्टफोन को इस्तेमाल करके इतना जबरदस्त इनकम किया जा सकता, कभी नहीं सोचा था। मेरी आंख खुल गई, मैं कुएं की मेंढक अब नहीं रहा। इसीलिए मैं ये सारे चीज देखता हूं, मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ता हूं, मैं नेट में ढूंढता हूं, मैं गूगल में सर्च करता हूं, राइट, मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर मैगजीन देखता हूं, और मेरे सामने एक बहुत बड़ी दुनिया उजागर हो चुकी है। दोस्त, मैं भी चाहता हूं, भैया मैं भी चाहता हूं आपके सामने भी इन सारे चीज को रखूं। बाकी विचार आप करो। क्या बताया था मैंने हिंदी डायलॉग, देख लो जान लो मतलब का है तो ठान लो, नहीं तो निकल लो। एक घंटे की बात है, टीवी देखने में आईपीएल चल रहा है, दिल्ली का और मुंबई का मैच देखने में 3 घंटा चला जाता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा फैसला पता है, मेरे जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी 3 घंटा बर्बाद करते हैं। फिल्म देखते हैं हाउसफुल 2, मजा आता है पर पॉकेट फुल नहीं होता है, जेब में कुछ नहीं आता है। मैं जो 1 घंटा बात करूंगा ना, उससे जेब हाउसफुल हो सकता है, राइट, उससे आपको इनकम में बेहतरीन तरक्की हो सकता है। तो इस तरीके से इनवाइट कीजिए, आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो आज ही आलस की चादर को उतार फेंको, राइट, आज ही अपनी अंदर से जो आलस, राइट, ये आलसपन इसको उतार फेंको। आज ही जल्द से जल्द ये जो अननेसेसरी फेसबुक व्हाट्सएप की गलत इस्तेमाल में बिजी हो, अननेसेसरी फिल्म, सिनेमा, गाना, मूवी, मस्ती, पार्टी, इसमें डूबे हुए हो, इससे बाहर आ जाओ। सामने दुर्गा पूजा आ रहा है, मैं जानता हूं बंगाली लोगों के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बाकी नवरात्रि भी, नॉर्थ पूरी इंडिया, नॉर्थ इंडिया के लिए नवरात्रि भी बहुत बड़ा फंक्शन है। पर एक चीज मुझे आप लोग बताओगे, पूजा तो उनके लिए जो अपने पूरे परिवार को नए कपड़े दे पाएंगे अच्छे से, उनके लिए तो पूजा पूजा होता है ना। दिवाली तो तब दिवाली जब दिवाली खुशियां वाली, जब दिवाली में सब लोगों को नए कपड़े देंगे, ईद में सबको कपड़े देंगे, न्यू ईयर में सबको नए कपड़े देंगे, घर पे नया गिफ्ट आएगा, घर सबके घर पे मिठाई बांटेंगे, तब दिवाली और भी खुशियां वाली होगी, नहीं होगी? यस नो, दिवाली में हो सकता है अपने परिवार को कुछ नहीं दे पाया, पर इस नवरात्रों को, इस दिवाली को इतने अच्छे से काम करो, यूट्यूब वाले जो देख रहे हो, इतनी अच्छे से काम करो इस बार, ताकि अगली दिवाली के अंदर आपकी स्कूटी आनी चाहिए, आपकी कार आनी चाहिए, आपकी मोटरसाइकिल आनी चाहिए, आपकी लैपटॉप आनी चाहिए। अगले दिवाली में मम्मी को, पापा को, आप जहां जहां रहते हो उसकी शॉपिंग मॉल पे जाकर बोलना, जो पसंद है मम्मी वो उठाओ, तुम जो कपड़ा तुम्हें चाहिए तुम वो उठाओ, बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी के पास भी आज डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, गूगल पे है, फोन पे है, 2-3 बैंक का कार्ड लेके आया हूं, आप खरीदो, मैं बस घिसूंगा और पैसा निकलेगा, प्लास्टिक का कार्ड स्वाइप करूंगा और पैसा निकलेगा, राइट, और शॉपिंग करने का बाद उसी शॉपिंग मॉल का बेहतरीन रेस्टोरेंट में पूरे परिवार मिलके खाना खाना, और खाना खाने के बाद एक सेल्फी लेकर जब फेसबुक पे देंगे, टुडे आज मैं बेहद खुश हूं, मैं अपनी पूरी परिवार को शॉपिंग मॉल पे ले आकर ब्रांडेड कपड़े खरीद के दिए, मेरे पापा को ब्रांडेड वॉच, मेरे मम्मी के लिए ब्रांडेड कपड़े, और हम सब लोग मिलके एक साथ खाना खा रहे हैं, और उसके बाद सबको लेके मल्टीप्लेक्स में मैं फिल्म देख रहा हूँ, और इस बार मैंने अपने परिवार के लिए कार बुक किया हूँ, सबको घूमने ले चलेंगे, कैसा रहेगा? अगर ऐसे जिंदगी चाहते हो तो इस बार दुर्गा पूजा, दशहरा, नवरात्रों को इस्तेमाल करो प्रोस्पेक्टिंग के लिए,
काफी नए लोग मिलेंगे, छुट्टियां मिलेगा लोगों को, लोग घर वापस आएंगे। काफी लोग जो नौकरी के कारण दूसरे जगह पे चले गए थे वो लोग वापस आएंगे अपने अपने शहरों में। पूजा की टाइम आता है, बंगाल आसाम में तो होगा ही, दुर्गा पूजा बंगालियों के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल, राइट। लोग आएंगे, इस समय को इस्तेमाल करो आपकी लिस्ट बिल्डिंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि पूजा का टाइम सब लोग बोलेगा शुभ षष्ठी भाई, हैप्पी सप्तमी, शुभ हैप्पी नवरात्रा, ये बोलने का साथ साथ अच्छा आजकल कहाँ हो और कर क्या रहे हो और बताओ यार, बहुत दिन से तो मिले नहीं। अच्छा तुमको मैंने बोला था, खुशखबरी दिया था, बोले क्या, वो मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया था, नहीं यार कुछ तो नहीं बोला। अरे यार पूजा का अंदर छोड़ रही है सारे बात, मैं दशहरा खत्म होने दे, एकादशी के दिन तो मैं फोन लगा रहा हूं। एक झलक दे दी, उत्सुकता पैदा कर दी और एकादशी के दिन शुभ विजय दशमी हैप्पी दशहरा बोल के गले लग जाओ और इनवाइट कर दो। याद रखना हमारे ये जो सारे फेस्टिवल है ना, दिवाली हो, ईद हो, न्यू ईयर हो, दुर्गा पूजा हो, ये सब फेस्टिवल फेस्टिवल नहीं है, ये सारे फेस्टिवल मिलन है, ताकि लोग एक दूसरे से मिल सके, रिश्तेदार लोग, पड़ोसी लोग, दोस्त लोग, राइट। तो इस मिलने के अवसर को क्यों छोड़े हम, हमारे बिजनेस में तो लोग ही चाहिए, मिलने का बहाना ही तो चाहिए, राइट। तो ये मजबूत बना देता है। सो दोस्तों आइए कमर कस लीजिए, अभी ये ट्रेनिंग खत्म होते ही, अभी आज के दिन पे जो इनवाइट मैंने बोला उसको अभी के अभी इस्तेमाल कीजिए, अभी फोन घुमाइए, दोस्त यार क्या कर रहे, क्या बताऊं, मैं इतना खुश हूं, सामने नवरात्र आ रहा है, मैं खुशी की मारे रह नहीं पा रहा, तुम्हें एक बेहतरीन न्यूज देने चाह रहा हूं। कोविड लॉकडाउन में सिर्फ डेथ, मृत्यु, नुकसान, मौतें, ये सब सुना हूं, आज मैं तुमसे कुछ अच्छी बातें करने वाला हूं। लॉकडाउन के अंदर भी काफी अच्छे चीजें उभर के आई है सामने, उसके बारे में मैं आज तुम्हें एक संदेश देना चाह रहा हूं। पहले बताओ कैसे हो और सब ठीक ठाक तो है, घर में सब ठीक तो है, खाली पीली टाइम में कर क्या रहे हो। लॉकडाउन के अंदर एक जबरदस्त इनकम अपॉर्चुनिटी सामने आई, उसके बारे में मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। इसके बाद लेट हो जाएगा शायद, मैं बहुत बिजी हो जाऊंगा, समय नहीं मिलेगा, बाद में ये मत बोलना तुझे एक अच्छा चीज मिला था, मेरे को बोला नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ जल्दी इसके बारे में चर्चा करना। ये बताओ मंडे के दिन सुबह आऊं या ट्यूजडे शाम को, दो ऑप्शन, राइट। इनवाइट क्लोज करना, वो अगर बोलेगा ठीक है मैं बताऊंगा जब मैं फ्री होगा, तू कब फ्री होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जो दोस्त है ना वो डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा बिजी है, मोदी से तो कहीं गुना ज्यादा बिजी है, इसलिए फ्री कभी नहीं होंगे, एक ही बार फ्री होंगे जब ऊपर जाएंगे, राइट। तो कभी भी ऐसा छोड़ना नहीं है, क्लोज करनी है, बोल मंडे सुबह ट्यूजडे शाम, अगर दोनों में से कोई नहीं बोलेगा तो बोलना तो एक काम कर वेडनेसडे छोड़ दे, मैं बिजी हूं, थर्सडे बता सुबह या शाम, क्लोज करोगे टाइम अपॉइंटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी इनवाइटिंग का, ताकि तुरंत आप टाइम को क्लोज करें और इनवाइट करें। तो चार पांच चीजें याद रखिएगा, इनवाइट जब कीजिएगा हाई एनर्जी के साथ, उत्सुकता के साथ, इनवाइटिंग में लोग तुम्हारे बातें नहीं सुनते हैं, बातों की अंदर जो ऊर्जा वो सुनते हैं, लोग ये देखना चाहते हैं आप जिस प्रोजेक्ट में हो क्या वाकई में आप खुश हो, एक्साइटेड हो, एनर्जेटिक हो आपके प्रोजेक्ट को लेके, तो आपके अंदर थोड़ी ये होना जरूरी है यार। सब आदमी चाहते हैं पॉजिटिविटी, सब आदमी चाहते हैं एनर्जी जो आप दे सकते हो उनको हमारे प्रोजेक्ट से, तो आपकी इनवाइटिंग से। तो हाई एनर्जी लेवल नंबर वन, इनवाइट करोगे दो से तीन मिनट, चार मिनट के अंदर, शुरुआत में दस मिनट बातें कर लो दुनिया भर के, बाइडेन के बारे में, शाहरुख के बारे में, सलमान के बारे में, माधुरी दीक्षित को खांसी कब हुआ, सारे इधर उधर की जितने बातें करनी है आप कर लो, बट जब बोलोगे सुन तुझे एक इंपॉर्टेंट बात बताना था, बोल के जब शुरू करोगे, इंपॉर्टेंट बात बोलना था, न्यूज, गुड न्यूज देना था, उस बात को शुरू करते हुए अगले तीन से पांच मिनट के अंदर खत्म कर दोगे इनवाइट, इज इट क्लियर। सवाल के बदले में सवाल करोगे, क्वेश्चन पुटे क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, ये टेक्निक ज्यादा अप्लाई करोगे। हेलो समझ आ रहा है, ये तीसरा टेक्निक। चौथा टेक्निक, आप जब इनवाइट करोगे अपॉइंटमेंट जरूर लोगे, अपॉइंटमेंट ये बोलना मत, सब बोलने का मत, बल तू कब फ्री है, वो अगर बोले जब फ्री होगा मैं बता दूंगा, पूरी टाइम वेस्ट किया आपने, आपने पूरी टाइम वेस्ट किया, ये है रॉन्ग इनवाइटिंग टेक्निक, पूरा बोलने का मत। तो यार बोलो इस चर्चा करने के लिए हम लोग कब बैठे, कल सुबह या परसों शाम, तुम्हारे लिए कौन सा टाइम ज्यादा कंफर्टेबल है, राइट। बोल के एक टाइम कंफर्म करोगे, क्लोज करोगे तभी के तभी, राइट। ये चीजें याद रहे, देखना बेहतरीन इनवाइटिंग होगा। सो दोस्तों आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, थैंक यू सो मच।